वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बच्चों क्लास फोर साइंस में हम आपको दो बार रिवीजन करा चुके हैं, यह तीसरी बार है, ठीक है। और जहां तक तो सिलेबस की बात है तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपका सिलेबस है चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर एट तक, ठीक है। तो आपको चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर एट तक का जो क्वेश्चंस है ना, खास करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका तैयारी आपको ठीक से करना है ताकि आपके एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग तीसरी बार करेंगे रिवीजन, चैप्टर वन से हम शुरू करते हैं। फूड एंड डाइजेशन, पेज नंबर 7 देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग गिव एनर्जी, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, फर्स्ट का ए, फैट्स। सेकेंड देखो, फूड्स रिच इन विटामिन्स आर कॉल्ड, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, प्रोटेक्टिव। थर्ड देखो, इसका ब्लैंक हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, रफेज। पेज नंबर 9, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड फाइनली कंप्लीट्स इन, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड देखो, जंक फूड्स कंटेन ए लॉट ऑफ, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, फैट्स। थर्ड देखो, कुकिंग मेक्स आवर फूड, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, टेस्टी। पेज नंबर देखो 11 में, वर्कशीट का ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, सलाद गिव्स अस ए लॉट ऑफ, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, रफेज। सेकेंड देखो, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड देखो, एग्स आर रिच इन, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, प्रोटीन्स। फोर्थ देखो, ब्लैंक आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, मिनरल्स। पेज नंबर 12 में देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेकेंड, जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड कैन बी किल्ड बाय, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, कुकिंग। चैप्टर 2, टीथ एंड माइक्रोब्स। टिक द करेक्ट आंसर्स। पेज नंबर 16, टूथ डीके काउजेज, इसका ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ दीज। सेकेंड देखो, मोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। थर्ड देखो, द सेंटर ऑफ इच टूथ इज कॉल्ड, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। पेज नंबर 17 में देखो, टिक द करेक्ट आंसर्स। इसका सेकेंड देखो, वी मस्ट क्लोज आवर टीथ ब्लैंक, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, एवरी डे। थर्ड देखो, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स ब्लैंक आवर टीथ, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, ठीक है। तो बच्चों इतना ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी कुछ बताएंगे। ओके, थैंक यू।